नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th मैथ व 9th मैथ में चतुर्भुज सूत्र प्रयोग करते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और आपके सिलेबस में 30-35 सूत्र दे रखे हैं, इनको याद कर लेना जो आपके 10th बोर्ड के लिए बहुत आवश्यक है। यानी पहला सूत्र वृत्त की परिधि, इसका सूत्र होता है 2πr। फिर वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है πr2। फिर वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का व्यास का मतलब होता है आर का दुगुना। बात करें वृत्त की त्रिज्या और ये आपकी होती है व्यास की आधी, यानी d/2 भी इसे लिख सकते हैं। फिर पांचवा फॉर्मूला अर्धवृत्त की परिधि, यानी πr+2r, इसमें कॉमन लेंगे r तो π+2 आ जाएगा। अब इसका छठा सूत्र है दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, इसका सूत्र याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, πr1²-r2²। इसे हम मार्ग का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करते हैं। और फिर सातवां है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें दे रखा है θ/360 × πr². त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई सूत्र यानी θ/360 × 2πr होता है। फिर नौवां है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी θ/360 × πr² − 1/2r² sin θ। फिर दसवां है वृत्त के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, 360 में से घटाएंगे θ/360 × πr². फिर ग्यारहवां है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आगे दे रखा है बारहवां यानी घन का आयतन, यानी भुजा का क्यूब होता है। फिर तेरहवां घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 भुजा² फिर अगला यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 6 भुजा². अब पंद्रहवां दे रखा है आपके घन का विकर्ण, इसका सूत्र है √3 भुजा। फिर सोलहवां है यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 × फिर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फिर अगला है यानी घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इनको याद कर लेना। और अगला 18वां है यानी घनाभ का आयतन है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसे अंग्रेजी में L×B×H भी कहते हैं। फिर 19वां सूत्र है यानी घनाभ का विकर्ण, √L²+B²+H²। अब 20वां सूत्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र है 2πr(h)। फिर 21वां है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र है 2πr(h+r)। फिर अगला बेलन का आयतन यानी πr²(h)। फिर अगला सूत्र है खोखले बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, इसका सूत्र है πr1²-r2²(h)। अब अगला देखेंगे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2πr1+r2×h+r1−r2। 25वां सूत्र है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र है πr(l)। फिर 26वां है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र है πr(l+r)। l का मतलब यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई होगा। फिर 27वां है शंकु का आयतन, इसका सूत्र होता है 1/3πr²(h)। फिर 28वां सूत्र है शंकु की तिर्यक लंबाई, यानी l² बराबर कर देंगे √h²+r²। फिर 29वां सूत्र है यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4πr². फिर 30वां है ठोस गोले का आयतन, यानी 4/3πr³। अब 31वां सूत्र है अर्धगोले का आयतन, यानी पूरा गोला का कितना था 4/3πr³, तो 1/2 कर देंगे, फिर 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना आ जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा। अब 32वां है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², इसको नोट कर लेना सही ढंग से, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πr² होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है 3πr². फिर 34वां है आपके खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र है 4πr1²-r2²। फिर 35वां है गोले कोष का आयतन, 4/3πr1³-r2³। इस वीडियो के अंत में आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि मात्र 30-35 आपके सूत्र हैं, इनको अच्छी तरह कॉपी में लिख लेना और 3-4 बार देख लेना, इससे आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा और 2021 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अनुसार ये आपके लिए बहुत सहायक होंगे अच्छे नंबर दिलाने के लिए, और इनको एक बार कॉपी में लिख कर याद करना।